हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक मूवी के ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है और इस मूवी का नेम है माँ तुझे सलाम। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। खुद को शिकारी समझने वाला वो हिंदुस्तानी दहशत बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। आफ्ताब खान की नजर में वजीर और फकीर में कोई फर्क नहीं। आफ्ताब खान देखता है तो सिर्फ सही और गलत। मजहब और दीन के लिए जो अपनी जान गंवाता है उसी ने जन्नत में जाता है। भेरी भेरी मुझे धमकी दे रहा है, देखता हूँ तू मुझे यहाँ से कैसे ले आता है। अरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस मौलाना महमूद असगर को जानता है? हम नहीं जानते, लेकिन सही बात है, नॉर्मल बहुत कुछ बैन हो जाता है। तुम्हारे धमकी भरे खत मिलने पूरी पाकिस्तानी पुलिस चौकन्ना हो गई है। जनाब मैयत कब आएगी? इसकी मरहूम यासीर खान की मेरी कब? मौत के फरिश्तों को तेरा पता दे दिया है, 24 घंटों के भीतर वो तेरी रूह कब्ज करके ले जाएंगे। ओहो, क्या डायलॉग है भाई। 26/11 ताज अटैक, कंधार प्लेन हाईजैक, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसका बदला लेना अगर मेरा जाति बदला है तो है। वाह, पाकिस्तान में घुसकर एक हिंदुस्तानी दहशतगर्द ने दिन दहाड़े पाकिस्तान के 3 रसूख लोगों को अगवा कर लिया। आज मुंह से निकाला के पिछवाड़े से प्यार में यार के मैं तो जीना छोड़ दूं, बिना सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। तू ही है बंदगी, तू मेरी दिला दो कि किसी भी हिंदुस्तानी को उंगली ना करे, अगर उनकी सटक गई तो वो उंगली नहीं सीधे बांस करेगी।
चिंगारी से ज्वाला बनता हूँ, बुझना मेरा काम नहीं। दुश्मन को जला के राख ना कर दूं तो बजरंग मोहम्मद अली मेरा नाम नहीं। क्या बात है। वाह, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, मैजेस्टिक। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और इससे मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये भोजपुरी लैंग्वेज मूवी और एक्शन ड्रामा और रोमांस से भरपूर है। जैसा कि आपने ये ट्रेलर देखा तो आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है असलम शेख ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अभय सिन्हा ने और उनके साथ समीर आफ्ताब ने। और ये मूवी जो बनी है याशी फिल्म्स बैनर के तले बनी है। और इस मूवी के अंदर जो मेन लीडिंग रोल पर है वो है पवन सिंह, मधु शर्मा और अश्करा सिंह। ये इसकी मेन कास्ट में शामिल है। अब हम बात करते हैं आपसे मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि अच्छा था, बेहतरीन था, फुल ऑन एक्शन से भरपूर था। और मुझे आइडिया नहीं था, मैं समझा था शायद अलग टॉपिक पर होगा, लेकिन ये वही जिस तरह की भोजपुरी मूवीज का खास फेमस और मेन टॉपिक इंडिया पाकिस्तान, तो उसके ऊपर ही है ये। और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। मैंने ऐसा आप कह लें कि एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए या फिर आप जैसे कि जस्ट फॉर फन या फिर ऐसा फिल्म या कहानी के तौर पर देखा है, वरना जो है बाकी जो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा, मेरा उनको भी मैसेज है कि जो इस तरह की मूवीज़ होती हैं वो इसको एज आ इंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए या फिर आप तफरी के मौके फराम करने के लिए देखें, बनस्बत दिल पे ना लें। क्योंकि भोजपुरी मूवी ज़्यादातर जो इसी टॉपिक पर बनती हैं और उसमें जो है पाकिस्तान को बुरा भला दिखाया जाता है, जो कि मेरा ये मानना है कि अपनी ज़ाती राय ये है कि थोड़ा कम होना चाहिए। इस तरह का पता है होता है, इस तरह कुछ यूँ है कि फिर जो है और लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। और क्योंकि जो कि जब ज़्यादा चीज़ जो नेगेटिव दिखाई जाती है तो लोग उसको सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। ये थोड़ा बहुत कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जो मूवीज़ जब इस टॉपिक पर बनती हैं इस तरह की या फिर इस तरह के ड्रामे या फिर कुछ ना कुछ, तो फिर जो है ज़्यादा और बढ़ती हैं चीज़ें। बनस्बत मेरी ये राय है कि पॉजिटिव बननी चाहिए, कुछ अच्छा एंड भी होना चाहिए, कुछ अच्छा मतलब भी दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा मज़ा आए और एक अच्छा मैसेज भी जाए, एक तरह से पॉजिटिव मैसेज जाए जो कि दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने वाला हो। जो कि एक हर कोई यही चाहता है कि दोनों मुल्क जो हैं अच्छे बेहतरीन दोस्त बन जाएं, जिस तरह का पहले हालात थे, अभी हालात ख़राब हुए हैं कुछ साल पहले, लेकिन इससे पहले सब कुछ बेहतर था। यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जा रहे थे, वहाँ के यहाँ आ रहे थे और बहुत बेहतरीन किस्म का काम और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ऐसा बेहतर दोबारा फिर से हो जाएगा। लेकिन ये इस मूवी के हवाले से हम जो बात करें तो ये एज आ मूवी के तौर पर है, जो कि लोगों किसी को भी दिल पर नहीं लेना चाहिए और कुछ इसमें मतलब ज़्यादा नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का ज़्यादा सोचा जाए इस हवाले से तो फिर जो है फिर तो एक तरह से नेगेटिव मैसेज ही जाता है। लेकिन ओवरऑल मैंने जो इस मूवी को देखा एज आ एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए देखा, अच्छा काम है, बेहतरीन किस्म का एक्शन से भरपूर है और बेताशा इसमें सॉन्ग्स हैं एंटरटेनिंग जो कि कमाल के होते हैं। जैसे कि भोजपुरी मूवीज़ के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, इसके अंदर भी बेताशा सॉन्ग्स हैं जो कि आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे और भरपूर आप इन्जॉय करेंगे। और उनमें कमाल के लिरिसिस होते हैं और बेताशा उनमें परफॉर्मेंस जो कि एक अलग ही अलामत समझी जाती है भोजपुरी मूवीज़ के अंदर, जो कि इसमें भी पाए जाएंगे। इसके अलावा कास्ट का जो काम है बहुत बेहतरीन किस्म का काम है और पवन सिंह के तो बारे में क्या ही कहना, उनकी आवाज़ में इतना दम है, इतनी करजदार और करारी सी उनकी आवाज़ है कि एक तरह से मूवी में चार चांद ही लग जाते हैं उनके कदम रखते ही। और बहुत मज़ा आया मुझे इस ट्रेलर को देखने के बाद। और एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये काम करते हैं, फुल ऑन एक्शन से भरपूर, परफॉर्मेंस से भरपूर और करेक्टर में घुस के। ओवरऑल जो मेन कास्ट है उसके अलावा दीगर कास्ट सबका काम भी बेहतरीन किस्म का लग रहा है और सबका तालमेल मिक्सअप। और ये फिल्म आप जब देखेंगे तो मेरा यही मानना है कि ऐसा कुछ नेगेटिव सोचकर मत देखें कि पाकिस्तान ऐसा है वैसा है या फिर है, जो कि ऐसा हवाले से इस तरह का जो मतलब ज़्यादा बंदा सोचे तो फिर इसी तरह का फिर फीलिंग्स आती है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो है आपको मतलब पता ही होगा, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो उसी तरह का होता है कि जैसे एक पाकिस्तानी या मुस्लिम इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व होता है टेररिज्म में या फिर दहशतगर्दी या जहाद के हवाले से, तो बाकी बदनाम भी सब हो जाते हैं, जबकि सब लोग ऐसा नहीं होते। क्योंकि पाँचों उंगलियाँ बिल्कुल भी बराबर
नहीं होती हैं, लेकिन जो है बस एक ही वजह से सब लोग बदनाम हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत और शर्मिंदगी की बात है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और एज अ मुस्लिम कहते हैं, जो कि बम ब्लास्ट करते हैं, टेररिज्म करते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो बहुत ही उनको डूब मरना चाहिए कि वो इस तरह की हरकत करते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी और मुस्लिम कहते हैं, जो कि पाकिस्तानी और मुस्लिम हरगिज़ ऐसे नहीं होते, जो कि आप जहाद के नाम पर और जो कि बाकी जो दहशतगर्दी के नाम पर और बम ब्लास्ट करें और खुदकश हमले करें और ना जाने क्या क्या करें। ये सिर्फ कुछ लोग इस तरह की हरकतें जो करते हैं उनका दिमाग का फतूर होता है, या फिर वो नफसियाती मरीज या जहनी मरीज होते हैं, या वो बहक गए होते हैं। वो पाकिस्तानी और मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं होते, बस वो अपने आप को नाम का मानते हैं और जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं और बाकी बदनाम पाकिस्तानी हो जाते हैं, जो कि एक तरह से बहुत अफसोस की बात है और बहुत बुरा लगता है इस तरह की जो ये लोग हरकतें करते हैं। मेरा तो मानना है कि इस तरह के लोगों को पकड़ना चाहिए, बल्कि इनकी सही की धुलाई करनी चाहिए और उनको चुन चुन के पकड़ना चाहिए जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं और जिसकी वजह से बदनाम जो है पाकिस्तान के मासूम लोग और बाकी सारे लोग भी हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के लोग जो है बेताशा इंडियन लोगों से और इंडियन चीज़ों से, इंडियन कल्चर से, इंडियन मूवी से बेताशा, या कि आप कह लें कि इंडिया की हर एक जुड़ी चीज़ से बेताशा मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग भी नहीं करते, वहाँ के लोग भी इस तरह का हैं, लेकिन जो है कुछ लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। और जो मतलब इस तरह के लोग जो मौलाना होते हैं, इन्हें हम कहेंगे कि दो नंबर मौलाना होते हैं, जो जहाद के नाम पर या फिर आप कह लें कि खुदकश हमले करवाते हैं या इस तरह की दहशतगर्दियाँ करवाते हैं कि आप लोगों को बम ब्लास्ट करके मारें या फिर कुछ भी इस तरह के अटैक करें तो आप भी जन्नत में जाएंगे, वो भी जन्नत में जाएंगे, वो काफिर आप मुस्लिम, और इस तरह के मतलब काफ़ी गलत चीज़ों में बहकाते हैं। तो वो वाकई में जो उस तरह के मौलाना होते हैं वो सच में मुसलमान नहीं होते, वो खुद बहके हुए भटके हुए होते हैं और वो लोगों को भटका रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक और घटिया किस्म की बात है। उनको भी चाहिए कि वो सुधरें और मुल्क में और सब जगह अमन अमान कायम करें और इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी ना करें जिसकी वजह से पाकिस्तान और मुस्लिम लोगों का नाम बदनाम हो, जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और बहुत शर्मनाक बात है। और चलें बस इस टॉपिक पे तो जितनी बात की जाए कम है, ओवरऑल मूवी के हवाले से इन बात को करके एंड करते हैं। मज़ा आएगा इसको मूवी को देखने के बाद, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कमाल की एक्टिंग, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, सॉन्ग्स, जो कि एक बेहतरीन मूवी में होता है, जो कि एक कमाल की बात है और आप भरपूर इंजॉय करेंगे। ट्रेलर मुझे पसंद आया और जिस हिसाब से ट्रेलर दिखाया गया है तो मूवी की तमाम नुमाया खसूसियात को वाजे करके उजागर कर रहा है, जो कि एक बेहतरीन किस्म की बात होती है किसी भी मूवी के अंदर, क्योंकि ट्रेलर जो होता है वो मूवी की अकासी बेहतरीन तौर पर करता है, तो लोग मूवी से अट्रैक्ट होकर मूवी को देखते हैं और जो कि मूवी के चलने के चांसेस बेताशा बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं कहूँगा बेहतरीन किस्म का ट्रेलर था, मुझे मज़ा आया। चलिए बस मैं इसी बात के साथ अपनी बात को एंड करता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू उस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।